एक लोटा जल पर जंग छिड़ी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक लोटा जल वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। इधर भूपेश के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी पलटवार कर दिया। बालोद के गुरूर में एक कार्यक्रम चल रहा था, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया। भूपेश ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ा दो और कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत पर काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह अंधविश्वास फैलाने का काम भाजपा कर रही है। वहीं भूपेश के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टी राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दे उनके नेता से उम्मीद क्या की जा सकती है। भूपेश की स्थिति विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तरह है, सरकार से पहले हाथ धो बैठे हैं, इसलिए कुछ भी ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी, अब पानी की तोड़ दी, पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करूं और जल न डाला दू, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ, न थरा दो न रोपा भी ऐसे करूं, निंदई कोड़ाई नहीं करूं, खातू नहीं डालो, जल भर डालत रहा, ऐसा अंधविश्वास में करा। पूजा पाठ करे, मैं खुद रोज पूजा करता हूँ, आजकल तक छोटे समय ज्यादा है, मैं ज्यादा बेल लेकर लेखन मेडिटेशन क्या है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि है उनका, एक तो सरकार से हाथ धो बैठे हैं तो बौखलाए हुए हैं और कुछ भी उटपटांग बयान दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण को भी ठुकराए थे, तो ऐसे लोग अगर सनातन धर्म पर भी कुछ बोलते हैं तो क्या ताज्जुब की बात। तो एक लोटा जल को लेकर सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया और ये कहा जिस पर बीजेपी हमलावर हो सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खेत में काम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की धारणा लोगों में बनाई गई है, वो बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। बघेल ने यह भी बयान उस वक्त दिया जब देश के, आपको बता दें, कई राज्यों में चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव, और उस वक्त इस तरह से बयान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सामने आया। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह की बातों को कांग्रेस कर रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जब अयोध्या का राम मंदिर का निमंत्रण दिया गया, कांग्रेस ने वो ठुकरा दिया। सनातन धर्म को लेकर इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था, इस तरह की बातें सीएम विष्णुदेव साय ने कही। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल मंच से सनातन धर्म को लेकर हमलावर होते हुए दिखे हैं। ये कहते हुए नजर आए कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की धारणा बीजेपी ने फैलाई है, ये एक तरह का अंधविश्वास है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे आस्था नहीं कहते बल्कि बीजेपी द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है जो इस तरह से फल फूल रहा है। भूपेश बघेल ने यह बयान, बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक की तस्वीरें देखिए सामने आई है। ग्राम जेवरतला में एक कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान संबोधित कर रहे थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उन्होंने ये बयान दिया कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कुछ बनेंगे। भगवान कृष्ण ने भी गाय चराई थी, भगवान राम जंगल जंगल भटके थे, तब कहीं जाकर इस तरह की स्थितियां बनी थी। तो पूर्व सीएम ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया एक लोटा जल को लेकर, हालांकि बयान तो एक लोटा जल का पंडित प्रदीप मिश्रा का था, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर मर दिया है, क्या कहेंगे? भूपेश बघेल हमेशा से हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले बयान देते रहते हैं। जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं वो उनके साथ हैं, और जो सनातन प्रेमी हैं या जो कथावाचक हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। जो हमारे हिंदू परंपरा है, रीति रिवाज है, शिव जी को जो जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ऐसी परंपराओं का मजाक उड़ाना मुझे तो लगता है एक मानसिक विकृति है। ये कोई छोटा विषय नहीं, हर व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने हिसाब से पूजा पद्धतियों को पालन कर सकता है,
और हमारी जो पूजा पद्धतियां आज से नहीं हजारों वर्षों से चले आ रही हैं, शिव जी को जल आज से नहीं चढ़ाया जा रहा है या बेलपत्र रखा जाता है तो आज का विषय नहीं है। इसमें भूपेश बघेल जी और कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? शिव जी की पूजा से उनको दुश्मनी है, गणेश जी की पूजा में मोदी जी चले गए उसके ऊपर कमेंट करने लगे, हिंदू देवी देवताओं पर, भगवानों पर, हिंदू रीति रिवाजों पर, पद्धति पर, पूजा पर, हर चीज पर टिप्पणी करके हिंदू भावनाओं को जो आहत करने का काम भूपेश बघेल जी और कांग्रेस कर रही है, जनता इसका करारा जवाब देने को बेताब बैठी है। तो अब क्या कुछ जवाब आता है फिलहाल देखना होगा। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार भी किया है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो एक लोटा जल को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है, आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है इस बयान को लेकर। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।